सबको राम राम। आज चूल्हा सेटअप करा जा रहा है। दाल बना लेंगे ना, मम्मी बनाती थी ना जब जाते थे हम। अब रोटी बनाने की तैयारी हो गई है, तवा गरम हो चुका है। सबको राम राम। आज चूल्हे की रोटी और कढ़ी खाने का मन था, तो चूल्हा सेटअप करा जा रहा है। अब ये स्टार्टिंग तो हो गई है, अब इसमें कढ़ी बनाई जाएगी। इस पे कढ़ी और क्या बनाएंगे हमने? रोटी मक्खन। तो अभी थोड़ी देर में दिखाते हैं, फिर सारा काम शुरू होते हैं। कढ़ी के लिए पकौड़ियाँ तली जा रही हैं। तो है भैया? हाँ जी। पकौड़ी बना रही है ना चूल्हे पे पहली बार? पहले ये सारे काम चूल्हे पे होते थे ना मम्मी? टाइम कितना लगता होगा? खूब टाइम लगे थे भाई। लकड़ी उकड़ी कितनी लगे थे। और ये अब बनके तैयार हो गई हैं पकौड़ियाँ कढ़ी के लिए, फिर बनाई जाएगी कढ़ी। हमारी कोशिश रहेगी कि आगे से हफ्ते में एटलीस्ट एक बार चूल्हे पे कुछ बनाएं और आप लोगों को दिखाएं। ओके, आप लोगों की भी कोई राय हो, कोई एडवाइस हो ये बनाओ तो बताना कमेंट में, ताकि हम उसको भी ट्राई करें ज़रूर एक बार। Ingredients: oil, zira, methi dana, onion, dry red chili, king. Whoa! Wow, you like this? Yeah. You're liking it. Is it yummy? No bad. मतलब अभी टेस्ट करूँगा तब बताऊँगा ना दीदी। मैं चिमटा ले लो। ओ मम्मी एक्सपर्ट है। मम्मी की पुरानी यादें ताजा हो गई है मम्मी। हाँ, बहुत साल होगा है ना? 5 साल होगा यार। तो लिए इसमें क्या डाला लिपिका? बेसन और दही का घोल, उसके अंदर हल्दी है, सारे मतलब मसाले हैं जो है, नमक मिर्च। अब मम्मी कितनी देर इस पे होगी? अभी पानी फिर पानी दो एक घंटा मतलब आधा घंटा तो कम से कम। हाँ, आधा घंटा कम से कम। हाँ, कढ़ी को कढ़ाना पड़ेगा ना। तो अब ये कढ़ी खड़कने लगी ना मम्मी? हाँ, रेडी है, रेडी। हम इसको बार बार चला रहे हैं इसलिए ये सेटल हो रही है, पर हो गया अब तो है ना मम्मी? ऑलमोस्ट घंटा हो गया, आधे घंटे बाद तो वो खड़कना शुरू हुई थी चूल्हे पे। अच्छा, कढ़ी का टेस्ट इसलिए डिफरेंट होता है चूल्हे की कढ़ी का गैसी कढ़ी से, क्योंकि बहुत धीरे 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 बहुत धीरे लाइक थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। पर तो जब खदकती है, जब बन के आती है तो हाँ, क्योंकि अभी तो ये वाली खा के बताएंगे कैसी है, पर हाँ, जितनी पहले खाई है कढ़ी का टेस्ट ही अलग होता है चूल्हे की कढ़ी। बहुत स्लो उस पे पकती है ना, मजेदार होती है। मक्खन रोटी के साथ खाएंगे गरम गरम। मम्मी हो ही गई, डाल दे पकौड़ियाँ भी। आज हवा थोड़ी तेज चल रही, थोड़ी ना बहुत ही तेज चल रही है। शुक्र है बारिश नहीं हुई। हाँ, 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 काश तो बुरा था। बारिश ने भी साथ दे दिया मेरा चूल्हे की कढ़ी खाने का।
अब रोटी बनाने की तैयारी हो गई है। तवा गर्म हो चुका है, आटा वाटा सारा मक्खन वक्खन सब आ गया साथ में। गरीब बेटा बैठ जाओ, रोटी खानी है ना। तन्वी एक्साइटेड थी, पहली रोटी उसे बनानी थी। वैसे भी बेटी के हाथ से स्टार्ट करना चाहिए हमेशा। और अगर तन्वी कुछ करे तो गर्वित पीछे कैसे रह सकता है। गर्वित को भी करना था। कम ऑन गर्वित, गुड जॉब। ये पहली रोटी है, देखो तेरी चूल्हे की पहली रोटी हुई ना ये। बनाना बनाना चूल्हे का पहला ऐसे ना चिमटे से थोड़ा देखो। अब ये रोटी फूल गई है, पहले ऊपर सेक के और नीचे फिर रोटी फुलाई। गुड़ भी मक्खन देसी हिसाब बना दियो और नीचे बैठ के खा रहे हैं। नीचे बैठ के खा रहे पर खाया कैसी लगी है? अच्छी है। रोटी कैसे समझ आया? रोटी अच्छी लगी मुझे इसकी ज्यादा। अच्छी लगी ज्यादा इसकी चूल्हे की है। पापा आप चूल्हे की रोटी कितने दिनों बाद खा रहे हो? चूल्हे की रोटी कितने सालों बाद खा रहे हो? 25 साल होगा। 30 साल हो गए। ये देखो ये सीखी है मस्त। अब एक्सपीरियंस हो गया ना तेरे को भी। रोटी वाला की टेस्ट था नहीं, हमारा पुराना वाला टेस्ट आ गया। और एक रोटी फालतू खाइए बोले तो। तो ये था हमारा आज का खाना, ये दादी पोते को खिलाते हुए लाड़ प्यार से। हो तो भाई कैसा लगा हमारा आज का खाना बताना हमें, और हम ऐसे ही खाना डालते रहेंगे चूल्हे का। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सबको खाना खिलाने के बाद अब लिपिका भी खाना खा रही है। चलो जी फिर मिलते हैं सबको, राम राम।